वहाँ ही एडजस्ट होंगे जी, ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल में बच्चे पढ़ पाएंगे ये सारे। यहाँ पे बिल्डिंग नहीं होने की वजह से हमारी शिक्षा में बहुत ही दुविधाएं आती हैं। हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया, तो बारिश के चक्कर में बच्चे भी भीग जाते हैं और आधी सी बार घर भी जाते हैं। जैसे बारिश आने पे हमें घर जाना पड़ जाता है। स्कूल में क्लास न होने के कारण हमारी पढ़ाई में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ सरकार द्वारा सबका साथ सबके विकास का नारा दिया जाता है, वहीं हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के मंदिरों में दोगली नीति अपनाई जा रही है। अब इसे शिक्षा मंत्री की अनदेखी कहें या फिर जातीय प्रेम, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साल 2014 से ब्लॉक के सबसे बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत को जर्जर होने के बाद तोड़ दिया गया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी स्कूल की इमारत बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। जबकि इस स्कूल को 3 साल पहले मॉडल सांस्कृतिक स्कूल का दर्जा देकर इसमें CBSE बोर्ड की पढ़ाई कराई जा रही है, जिसमें करीब 2000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। 8 कमरे तो हमारे 2014 में टूटे थे और 6 कमरे हमारे अभी 2019 में टूटे हैं। इसके बाद में बिल्डिंग हमारी पूरी, ये जगह जो खाली जगह है ये पूरी तैयार है अप्रूवल के लिए, इसकी अप्रूवल भी हो चुकी है। बस पेड़ अभी फॉरेस्ट विभाग से कट के फिर बिल्डिंग हमारी बननी शुरू हो जाएगी। ये बिल्डिंग हमारी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के महीने में शुरू हो जाएगी, जहाँ तक उम्मीद करते हैं। तो सर, बच्चों की माने तो जिस तरीके बारिश का मौसम है और गर्मी भी थी, तो किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई है? ये तो बड़ा भारी संघर्ष का हमारा दौर है। इसमें बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं, अध्यापक भी संघर्ष कर रहे हैं और हम भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी बैठने की जगह नहीं मिलती तो बच्चों को बरांडे में एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर भी जगह नहीं होती तो हम बच्चों को बाहर भी भेजना पड़ता है बारिश के टाइम। तो एक बड़ा दुखद सा विषय है। अभी हमने यही व्यवस्था करी है कि बरांडे में 1-2 जगह टीन शेड डलवा के ताकि क्लास सारी व्यवस्थित हो जाए। आज सुबह ही ये डिसीजन लिया है कि बच्चे में अब छुट्टी नहीं होगी, शेड वेड डलवा के हम बच्चों को स्कूल में बिठाएंगे। नहीं, अभी तो सिंगल पारी में ही हमारा स्कूल चल रहा है जी। बाकी अब जब बिल्डिंग बनेगी तो मुझे लगता है कि ये डबल पारी में भी स्कूल अगर हम चलाएंगे तो भी जगह कम पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जो बिल्डिंग बनेगी तो कुछ मटेरियल में गिरेगी, कुछ बिल्डिंग की जगह बनेगी तो कोई जगह नहीं बचेगी। तो स्कूल के लिए दूसरी व्यवस्था कोई उपलब्ध कराई जाए तो बच्चों के भविष्य अंधकार में हो सकता है, क्योंकि जब जगह ही नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। तो क्या माना जाए सर, कब तक ये बिल्डिंग बन जाएगी? बिल्डिंग के बनने में तो 2 साल से 2.5 साल लगते हैं, तो अब जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही। तो इतने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर एडजस्ट होंगे जी? आए नहीं, बाहर ही एडजस्ट होंगे जी, ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल में बच्चे पढ़ पाएंगे ये सारे, वो जगह ही नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, ये है सोहना का मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें करीब 2000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो जरूर आते हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षार्थियों के लिए बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं, बारिश के समय में इनको घर पर ही रहना पड़ता है। अब आप ही बताइए, क्या सरकार का यह नारा पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया वाला नारा साकार हो रहा है यहाँ? यहाँ है हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग की जमीनी हकीकत। मेरा नाम मोनिका है, मैं GMSS स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में क्लास न होने के कारण हमारी पढ़ाई में बहुत सारी दुविधाएं आती है। सरकार से अनुरोध है कि हमारी मतलब बिल्डिंग बनाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मेरा नाम आयुष है। हमारे पास हमारी अभी बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई है और क्या बोलते हैं, हमारे पास अभी बैठने के क्लासेस नहीं है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और सारे बच्चों को ही प्रॉब्लम होती है। बारिश आ जाती है तो बारिश के चक्कर में बच्चे भी भीग जाते हैं और आधी सी बार घर भी जाते हैं। जैसे बारिश आने पे हमें घर जाना पड़ जाता है, पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती। क्लास 11 कॉमर्स से GMSS स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ पे बिल्डिंग नहीं होने की वजह से हमारी शिक्षा में बहुत ही दुविधाएं आती हैं। हमें बाहर बैठना पड़ता है और जब कभी बारिश होती है तो हमें स्कूल कुछ को छोड़ के अपने घर जाना पड़ता है। इससे हमारी पढ़ाई में बहुत परेशानियाँ आती हैं। सरकार से प्रार्थना है कि यहाँ पे जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाने का कार्य किया जाए। मेरा नाम दुष्यंत सिंगला है, मैं गवर्नमेंट मॉर्निंग पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। अब हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं किया गया है कार्य, जिससे हमारे पढ़ाई में दिक्कत होती है। बारिश आ जाती है तो हमें घर जाना पड़ता है, धूप में हमें पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, इससे बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि वो हमारे सुने और बिल्डिंग बनाने का कार्य शुरू करवाएं। कहते हैं ना कि अंधा बाटे रेवड़ी और अपनों अपनों को ही दे, यह कहावत हरियाणा के शिक्षा मंत्री पर बिल्कुल सटीक बैठ रही,
क्योंकि मंत्री जी ने नियमों को ताक पर रखते हुए दमदमा गांव के ऐसे स्कूल को अपग्रेड कर दिया जो नॉर्म्स को भी पूरे नहीं करता। फिर भी स्कूल को मिडिल से सीनियर सेकेंडरी तक के लिए अपग्रेड ही नहीं किया, बल्कि 2 करोड़ रुपए की राशि भी बिल्डिंग के लिए देने की घोषणा कर दी। जबकि वहीं एक स्कूल ऐसा भी है जिसमें 8 साल से बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। आपका उत्साह है कि मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल बनाने के लिए आपने बड़ा जोरदार प्रयास किया। हालांकि स्कूल नॉर्म पूरे नहीं करता था, लेकिन आपकी जो इच्छा थी वो देख के मैंने सोचा कि स्कूल तो कर ही देना चाहिए, जब गोड़ों का इतना मन है। तो सुना आपने शिक्षा मंत्री के स्टेज का यह भाषण। हालांकि जब हमने सोहना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बिल्डिंग ना होने के बारे में पूछा तो मंत्री जी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है और हरियाणा के सभी उन स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई है जिनमें बिल्डिंग नहीं है। तो मंत्री जी, जब आपको अभी तक जानकारी ही नहीं है तो फिर आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? जिन्होंने अभी तक आपको जानकारी तक नहीं दी और उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रही हैं? देखिए, हमने सारे उनको कहा है कि जहाँ भी बिल्डिंग की कमी है तो वो हमें लिख के भेजेंगे और अगर कहीं इस प्रकार की है तो हम जल्दी उसमें बिल्डिंग कराने का। भले ही हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का ध्यान उन स्कूलों की तरफ नहीं है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए न शिक्षक है और न ही बैठने के लिए बिल्डिंग। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब सरकार के ऊंचे ऊंचे होंदों पर बैठे सरकार के नुमाइंदे ही जातिवाद को बढ़ावा देंगे तो फिर प्रदेश के बाकी बच्चों का आगामी भविष्य कैसा होगा? हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। बहरहाल, इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान न्यूज। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।